अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि आपने फेक व्हाट्सएप अकाउंट एक वर्चुअल नंबर से किस तरीके से बनाना है। सारा प्रोसेस आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा। ट्रिक जो है वो पेड है, बट जो मेरे प्यारे भाई फ्री में चाहते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए इस वीडियो में मैंने फ्री गिव अवे भी रखा है। आपने सिंपल इस वीडियो को लाइक करना है और नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। जिसका कमेंट मुझे अच्छा लगेगा उस भाई को मैं बिल्कुल फ्री में फेक व्हाट्सएप का अकाउंट जो है वो बनवाऊंगा, और मेरा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वहाँ पे मैं प्रूफ्स भी शेयर कर दूंगा कि मैंने वाकया ही में आप लोगों को फ्री में फेक व्हाट्सएप का अकाउंट बनवा दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं किस तरीके से आपने फेक व्हाट्सएप का जो अकाउंट है वो बनाना है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, और यहाँ पे आके आपने गूगल क्रोम ओपन करना है। ये वेबसाइट fivesim.net है, जो कि दोस्तों आपने यहाँ से ओपन कर लेनी है। लिंक आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको इसमें रिचार्ज ऐड करना है। दोस्तों, रिचार्ज कैसे ऐड करेंगे आप? रिचार्ज ऐड करवाने के लिए हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, वहाँ से आके आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पे आपका जो रिचार्ज है वो ऐड करके दे देंगे, जितना आप रिचार्ज ऐड करवाना चाहो। मज़ीद डिटेल्स आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने में मिल जाएगा सिलेक्ट सर्विस वाला। अमेज़ॉन, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया की जो सर्विसेज हैं ये आपको प्रोवाइड करते हैं। तो हम जो मोस्टली चीज़ यूज़ करते हैं वो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं एक इंटरनेशनल नंबर के साथ। तो हम यहाँ पे पहला व्हाट्सएप चूज़ करेंगे। हमारी जो सर्विस है वो सिलेक्ट हो चुकी है। अब नीचे ऑप्शन है सिलेक्ट कंट्री के, आप किस कंट्री का नंबर व्हाट्सएप अकाउंट के लिए लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पर हम मिल रहे हैं। तो आपने यहाँ पर कोई ऐसी कंट्री फाइंड करनी है जिसका नंबर आपको यहाँ पर आसानी से जो दोस्तों मिल भी जाए। तो मैं यहाँ पे थाईलैंड ट्राई करता हूँ फर्स्ट। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और थाईलैंड का नंबर फ़िलहाल हमें अवेलेबल नहीं हो रहा। वो बता रहे हैं कि थाईलैंड का नंबर अभी हमारे पास ऑन द स्पॉट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आपने कैंसिल पे क्लिक कर देना है और अब आपने दोबारा कंट्री जो है वो यहाँ पर आपने चूज़ कर लेनी है। तो यहाँ पर जो कंट्री है वो हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, फिलिपाइन कर लेते हैं यहाँ पर, और एनी ऑपरेटर सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो वो यहाँ से अब चूज़ करते हैं। तो मैंने दोस्तों जो नंबर है वो एक बाय किया, आप जहाँ पे चेक कर सकते हो 55 पायर का जो नंबर है वो यहाँ पे हमें उन्होंने दिया है। और ये रहा दोस्तों नंबर। अब नंबर मैंने कॉपी कर लिया है। नंबर कॉपी करने के बाद दोस्तों आपने इस नंबर को डायरेक्ट जाके व्हाट्सएप अकाउंट पर नहीं लगाना। व्हाट्सएप अकाउंट पे नंबर ये लगाने से पहले आपने एक बार अपना जो व्हाट्सएप है उस पर जाना है आपने। उस पर जाने के बाद आपने वो नंबर किसी को सेंड करके चेक करना है और उस नंबर के ऊपर आपने एक बार प्रेस करना है। ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि वो नंबर ऑलरेडी व्हाट्सएप पे किसी के पास यूज़ ना हो। अब ये वाला नंबर दोस्तों फ्रेश है, इस नंबर को हम जाके व्हाट्सएप पे लगा सकते हैं, व्हाट्सएप पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको इसका जो वेरिफिकेशन कोड है वो यहाँ पे नहीं लेके दिखा सक, मैं जस्ट आपको ये जो नंबर है ये नंबर व्हाट्सएप पे लगा के चेक करवा देता हूँ। इसका वेरिफिकेशन कोड मैं आपको यहाँ पे लेके नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि ये जो अकाउंट है ये फाइव सिम वाला, ये हमारे कस्टमर का है और उनकी अमानत में खयानत हो जाएगी और उनका बैलेंस हम यूज़ नहीं कर सकते। मैं जस्ट आपको इस वेबसाइट का इंट्रो दे रहा था, बेसिकली इस वेबसाइट से आपको वेरिफिकेशन कोड जो है वो यहाँ पे मिलते हैं या के नहीं। तो जो ही मैंने इस नंबर को बैक किया, हमारा जो रिचार्ज था वो फौरन से यहाँ पे बैक ऐड कर दिया जा चुका है। अब आप इसको मज़ीद इस्तेमाल करते हुए जो नंबर है वो दोस्तों ले सकते हैं। वेबसाइट में रिचार्ज ऐड करवाने के लिए मेरा व्हाट्सएप का नंबर नीचे आ रहा है, वहाँ पर आके आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।